उपचुनाव के नतीजे जिस प्रकार से आए हैं, मोदी का मैजिक नजर नहीं आ रहा है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, वो लहर अब लगता है खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने पिछले लोकसभा में जो लुभावने वादे और झूठा प्रचार करके एक तरह से लोगों को ठगने का काम किया था, अब इनके चेहरे से पर्दा उठ चुका है, लोग समझ चुके हैं और लोगों ने पुनः कांग्रेस में विश्वास दर्शाया है और हमको विश्वास है कि आने वाले विधानसभा में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन भारी बहुमत से चुन के आएगा और चौथी बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चौथी बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक तो आपका और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया और वो अड़े हुए हैं कि बराबरी का सीटों का बंटवारा होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी हाईकमांड आज या कल तक ये दो दिनों में इसका फैसला कर लेगी और हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार एक बार पहले भी कह चुके हैं कि एक बार सभी पार्टियों को अपने दम पर चुनाव लड़के देख लेना चाहिए, क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर विश्वास है कि एक बार फिर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार आएगी। बावजूद इसके अब तक एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।